नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया और सरपंच को लगा बड़ा झटका। बिहार में इस दिन से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी, सरकार ने दिए संकेत। तेजस्वी का कॉल जाते ही पटना डीएम ने दिया परमिशन। गर्दनी बांग में धरना पर बैठेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। बिहार के स्ट्रीट वेंडर्स की चमकेगी किस्मत। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वनिधि योजना से सबको दिए जाएंगे 10,000 रुपये। पटना के क्रेडिट कार्ड यूजर्स को लग गया चूना। जेब में कार्ड होने के बावजूद हजारों की चपत। बिहार सरकार कोरोना वैक्सीन लगाने में भेदभाव कर रही है, आईएमए ने लगाया गंभीर आरोप। परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। बिहार बोर्ड ने कदाचार पर लिया कड़ा फैसला। बेल्ट्रान से ट्रेंड अभ्यर्थियों को मौका देगी सरकार। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिया निर्देश। जीविका दीदी पर नीतीश सरकार मेहरबान, अब तालाब के रखरखाव और मछली पालन की जिम्मेदारी देगी। बरौनी एनटीपीसी में बवाल, ग्रामीणों ने अधिकारियों को बंधक बनाया, बंद हो सकता है प्लांट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले राज्य में मुखिया और सरपंच को बड़ा झटका लगा है। राज्य आयोग ने मतदान केंद्रों की सूची बनाने को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि सभी मतदान केंद्र की सूची और निरीक्षण करने की जिम्मा प्रखंड विकास पदाधिकारी को होगा। मतदान केंद्रों का फाइनल लिस्ट आयोग के सहमति से ही प्रकाशित किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार में अप्रैल और मई में पंचायत चुनाव हो सकता है। चुनाव से पहले सभी जिले में अधिकृत अधिकारियों को मतदान केंद्र का जायजा लेना है। अधिकारी मतदान केंद्र की लिस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपेंगे, जिसे आयोग की सहमति से प्रकाशित किया जा सकता है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर की दूरी पर केंद्र नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा होने पर अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार होंगे। बिहार में होली के बाद कभी भी पंचायत इलेक्शन का ऐलान किया जा सकता है। वहीं बिहार निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सूबे के सभी 8,387 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन मंगलवार को कर दिया जाएगा। कोरोना संकट के कारण बिहार में बंद चल रहे कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल इस माह के अंत तक खुल सकते हैं। इसको लेकर 25 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। बता दें कि 4 जनवरी से क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है, जिनमें 50% में से 20-30% बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है। ऐसे में अब उसी पैटर्न पर 1 से 8 कक्षा तक के बच्चों की भी पढ़ाई शुरू हो, इस पर जल्द फैसला होगा। इस बारे में शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस महीने के अंत तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल खोले जाने का सरकार फैसला ले सकती है। उम्मीद की जा रही है कि गणतंत्र दिवस के अगले दिन 27 जनवरी से बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए कई तरह की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। बच्चों को स्कूल में प्रवेश अभिभावकों की सहमति पर ही मिलेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इन शर्तों के बारे में विचार विमर्श होने वाला है। गौरतलब है कि 4 जनवरी से 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के बाद कई जिलों में शिक्षकों और छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबरें भी आई थी। नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने गर्दनी बांग में धरना पर बैठने का परमिशन दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कॉल जाने के बाद पटना डीएम ने यह अनुमति दी है। पटना इको पार्क में धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि अगर सरकार इन कैंडिडेट्स को प्रदर्शन करने नहीं देती है तो मजबूरन उन्हें भी इस ठंड में इको पार्क में बैठना पड़ेगा और वो भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की ओर से गर्दनी बाग में धरना पर बैठने का परमिशन मिलने के बाद तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पैदल ही गर्दनी बाग धरना स्थल पर निकल गए। तेजस्वी के साथ साथ उनके पीछे हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी भी चल रहे थे, जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और अपनी मांगों को पूरी करने की अपील राज्य सरकार से कर रहे थे। दरअसल शिक्षक बहाली में देरी के खिलाफ राज्य भर के अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं। उन्होंने पटना के गर्दनी बांग में धरना देना शुरू किया था, लेकिन मंगलवार की शाम पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। इसके बाद बुधवार को अभ्यर्थी फिर से गर्दनी बांग धरना स्थल पर पहुंचे तो एक बार फिर से पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस से बचकर भागे सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी पटना के इको पार्क पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अपने साथ हुए वाक्य की खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दी।
शिक्षक अभ्यर्थियों के इको पार्क में पहुंचने की खबर मिलने के बाद तेजस्वी यादव वहां पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों को संबोधित करना शुरू कर दिया। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन नीतीश सरकार लाठी गोली चलवा रही है। तेजस्वी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों को इसका दंड दिया जा रहा है। उन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया था। बिहार के सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरू की गई है। इस योजना के तहत बिहार के सभी स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रोहड़ी पटरी वालों की किस्मत चमकने वाली है। इस योजना के तहत ठेले खोमचे वाले 10,000 रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। 17वें स्ट्रीट वेंडर्स दिवस में भाग लेने पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वह हाल ही में पीएम मोदी से मिलने गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें कहा था कि स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने के लिए वेंडर्स जोन बनाकर बैंक से दिलाया जाए, जिससे कि स्ट्रीट वेंडर्स को एक स्थायित्व प्रदान किया जा सके। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्वनिधि योजना का लाभ लेने से सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाने वाले अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, उन्हें घर परिवार चलाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि चूंकि बिहार में उनके पास नगर विकास एवं आवास विभाग भी है, इसीलिए वह इस कार्य के लिए प्रयत्नशील भी हैं। हाल के दिनों में साइबर क्राइम के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पटना के एक प्राइवेट बैंक के ग्राहकों को एक साथ चुना लगा है। एक प्राइवेट बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के हजारों रुपए ऐप के जरिए निकाल लिए गए। मामला गांधी मैदान स्थित आरबीएल बैंक से जुड़ा हुआ है। इस बैंक के कई ग्राहकों ने एक साथ गांधी मैदान थाने में लिखित शिकायत दी है। पीड़ित ग्राहकों का आरोप है कि उन्होंने इस बैंक में खाता खुलवाने से पहले एक निधि फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। उसके बाद बैंक में सभी को कॉल कर खाता खुलवाने के लिए कहा गया। फिर कुछ दिन बाद ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड दिया गया। एक निजी कंपनी में काम करने वाले शख्स के मुताबिक बीते 10 जनवरी को क्रेडिट कार्ड उन्हें बैंक की तरफ से दिया गया और 16 जनवरी को उनके खाते से 29,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसी तरह दूसरे ग्राहक का कहना है कि उनके खाते में लगभग 43,000 निकाल लिए गए। उन्हें 9 जनवरी को क्रेडिट कार्ड दिया गया था। बिहार में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के बीच राज्य सरकार पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने गंभीर आरोप लगाया है। आईएमए का आरोप है कि बिहार सरकार कोरोना वायरस में भेदभाव की नीति अपना रही है। मंगलवार को आईएमए बिहार के पदाधिकारियों की आपात बैठक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजाद प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईएमए के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना टीकाकरण में सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों के बीच भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। आईएमए का कहना है कि कोरोना के हाल में स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव की अपील पर आईएमए ने बिहार में राज्य के सभी क्लिनिक और नर्सिंग होम को नियमित रूप से खोलने का फैसला किया, लेकिन जब टीका देने की बारी आई तो केवल सरकारी और निबंधित प्राइवेट क्लिनिक को ही प्राथमिकता दी जा रही है, जो सरासर गलत है। आईएमए की बैठक में 5 सूत्री मांगों के प्रस्ताव को भी पारित किया गया है। आईएमए ने 28 जुलाई 2020 को स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर की तरफ से जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षाएं हो पाए, इसके लिए बिहार बोर्ड ने अब सख्त कदम उठा लिया है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में नकल करने वालों को जुर्माना और जेल दोनों की सजा झेलनी पड़ सकती है। बिहार बोर्ड ने तय किया है कि अगर परीक्षा में कोई छात्र नकल करते पकड़ा गया तो उसे 2,000 का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है। जुर्माने के साथ साथ जेल की भी सजा दी जा सकती है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षा को लेकर यह गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने इसके लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों को लागू करने का फैसला किया है। सभी केंद्रों में इस संबंध में दिशा निर्देश भेजने की तैयारी हो रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी की भी तैनाती की जाएगी, साथ ही साथ पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। बेल्ट्रान से ट्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटरों को राज्य सरकार जल्द ही एडजस्ट करेगी। बेल्ट्रान के पैनल में सूचीबद्ध डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने आज बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर ने डिप्टी सीएम को बताया कि बेल्ट्रान के पैनल में सूचीबद्ध होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। डिप्टी सीएम ने इस मामले में तत्काल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात की है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने 5 देशरत्न मार्ग आवास पर जनता के दरबार कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी दौरान कई जिलों से आए डाटा एंट्री ऑपरेटर ने उनसे मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने
डिप्टी सीएम से गुहार लगाए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है, लेकिन बेल्ट्रॉन के सूचीबद्ध ऑपरेटरों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। बेल्ट्रॉन के सूचीबद्ध पैनल में अभ्यर्थियों की कुल संख्या 7311 है, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3738 कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली की जा रही है। नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए पोशाक बनाने का जिम्मा जीविका दीदियों को दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी और अब राज्य सरकार जीविका दीदियों के हवाले तालाबों के रखरखाव का जिम्मा देने जा रही है। जीविका दीदियों को तालाब के रखरखाव के साथ साथ मछली पालन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनके लिए आय का स्रोत बना रहे। जीविका दीदियों के हवाले यह नई जिम्मेदारी देने की तैयारी ग्रामीण विकास विभाग में शुरू कर दी है। विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा है कि ऐसे तालाब जिनकी बंदोबस्ती होती है उन्हें छोड़कर अन्य तालाबों के रखरखाव का जिम्मा जीविका दीदियों को दिया जाना है। बेगूसराय के बरौनी स्थित थर्मल पावर स्टेशन में जमकर बवाल होने की खबर है। एक संविदा मजदूर की मौत के बाद ग्रामीणों ने पावर प्लांट की घेराबंदी कर दी है और प्लांट के अधिकारियों समेत सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया है। आक्रोशित ग्रामीण मजदूर के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद एनटीपीसी ने पावर प्लांट को अस्थायी रूप से बंद करने की बात कही है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।